त्रिपाठी जी बहुत प्यारे ही व्यवस्था रह चुके हैं और आप शिक्षा से एमए एलएलबी बीएड हैं और आपने कई रचनाएं लिखी उसमें प्रमुख रूप से। ब्रजेश कुमार जी बात कर रहे हैं जी। एक कार्यक्रम कल अशफाकुल्ला जी के शहादत दिवस पर था अपने मंडल कारागार में, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की एक फोटो गैलरी लगाई गई थी, उसमें दिखाया था जी। इस पे क्या ये मामला संज्ञान में है आपके? नहीं, एक्चुअली ये प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं था और ये जो लगाए हैं ये आउटर दीवार में लगाए हैं हमारे, जैसे हमारा जो सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों को अनुमति देनी होती है। हाँ हाँ, सुरक्षा के दृष्टिगत, क्योंकि उसकी मेन वाल हमारे मेन वाल से चिपकी हुई है, तो हम अपना एक सिपाही खड़ा कर देते हैं कि कोई बंदी हमारा भाग न जाए। अच्छा, तो कार्यक्रम में हमारी ना कोई सहभागिता है, ये उनका अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने खुद ही लगाया होगा, हमने देखा नहीं था उसको। अच्छा, और न ये हमारे संज्ञान में लाया उन्होंने। अब चूंकि मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया है तो इस पे हमने अपने ऊंचे के अधिकारियों को अवगत कराते हुए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात की है। अच्छा, जेल का एक सिस्टम होता है और पहली बात तो इस प्रकार से अगर बर्ताव किया गया, वहाँ पर चित्रों का प्रदर्शन किया गया एक ऐसे व्यक्ति का जो विभाजनकारी है, जो भारत को विभाजित करके एक अलग राष्ट्र बना दिया, ऐसे विभाजनकारी व्यक्ति का चित्र लगाना आज की स्थिति में भारत में वह गलत है। इसकी हम सब भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस प्रकार से धृष्टता की है, जिन्होंने इस प्रकार के चित्रों को लगाया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के जो सुपरिंटेंडेंट हैं, जेल के जेलर हैं, इनको भी जो है संज्ञान में लेना चाहिए शासन और प्रशासन को, क्योंकि इनकी देखरेख में या तो वहाँ पर लगा, इन्होंने प्रदर्शनी देखी नहीं थी क्या? और अगर प्रदर्शनी देखी थी तो इस प्रकार से जो हरकत की गई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम शासन से मांग करते हैं कि जो आयोजक हैं उन पर कड़ा प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर, और आगे भविष्य में इस प्रकार की प्रतिक्रिया न हो उसको ध्यान में रखकर जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।